यह मामला कोलकाता का है, लेकिन पूरे देश में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर पूरे देश में आक्रोशित हैं, लेकिन पूरे समाज को जागना होगा। जिस तरीके से यह मामला शुरू हुआ, जिस तरीके से डॉक्टरों ने कोलकाता में जांच की मांग की, अब तक क्या क्या बदला है उस पर भी एक नजर डालते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार ने एक बार फिर दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस की याद दिला दी। साथ ही ये सवाल भी दोबारा सामने आ गया कि कब तक रेप जैसे जघन्य अपराध होते रहेंगे और महिला सुरक्षा के नाम पर लापरवाही, खिलवाड़ और राजनीति जारी रहेगी। हम आपको एक टाइमलाइन के जरिए बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार कार से मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। 13 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली समेत NCR में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई की और जांच CBI को सौंप दी। NHRC ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। 14 अगस्त को CBI ने नई FIR दर्ज की। CBI ने सवाल उठाया कि वारदात स्थल यानी सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ क्यों की गई। प्रदर्शन में सड़कों पर महिलाएं उतरी, कॉलेज में तोड़फोड़ हुई। पंद्रह अगस्त को पकड़े जा चुके लोगों को स्थानीय अदालत ने 22 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया। भीड़ ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल में तोड़फोड़ को BJP की गुंडागर्दी बताते हुए कोलकाता पुलिस से कार्रवाई करने को कहा। कोर्डा ने फिर से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं। अगर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिलाएं और बच्ची के लिए कहां क्या सोच सकते। ये हमारे जितनी भी स्टेट्स हैं उनका खुद का ही अपना कानून है, जिसके अंतर्गत होता ये है कि जब भी किसी तरीके का क्राइम असॉल्ट डॉक्टर के ऊपर होता है, तो जब तक पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है और जब तक जजमेंट होती है, इतनी देर में एक डिले आ जाता है, जब तक ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो मैं चाहती हूँ CPA को लागू किया जाए, जिसके अंदर ये केस में जजमेंट एंड हमारे इन्वेस्टिगेशन उसमें कोई देरी ना हो और लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि ऐसा कोई कानून भी एग्जिस्ट करता है, ताकि वो डरे डॉक्टर के ऊपर असॉल्ट करने से। ये जो हत्याकांड है, ये निर्भया के बाद का अपने भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा हत्याकांड है। मतलब ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमारी मांगे ऐसी है कि हमारे बहन, हमारी भारत की बेटी के साथ जो एक अन्याय हुआ है, उसको कहीं तो भी न्याय मिले। पहले तो कोशिश किए थे सुसाइड करके और बाद में बोले थे, पोस्टमार्टम के पता चला शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड एंड रेप। वहाँ के जो जितने भी रेसिडेंट्स है अलॉन्ग विद अदर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सब प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है, वो कर्तृपक्ष आकर FIR नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस एंड ऑल्सो कोर्ट में जो ऑर्डर कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है जो इट इज द वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशन रिगार्डिंग द हायर अथॉरिटीज रिगार्डिंग प्रिंसिपल सर, MSVP सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था। देश में कई बार इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए कड़ा कानून बने। जब निर्भया का मामला हुआ था, उसके बाद कानून में बदलाव भी किए गए, लेकिन NCRB के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन 86 बलात्कार अब भी होते हैं। जरूरत है कि न केवल कानून बने, बल्कि उन पर इस तरीके से अमल किया जाए कि इस तरह के अपराध पर अंकुश संभव हो।
हर घटना के बाद पुलिस प्रशासन सरकार ये दावा करती है कि व्यवस्था बदल दी गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। हर वारदात पुलिस प्रशासन की सख्ती और इंतजामों की पोल खोलती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत रेप यानी बलात्कार की अधिकतम सजा उम्र कैद है। नाबालिग के मामले में ये सजा मृत्यु दंड में भी बदल सकती है, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत में रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही। हर दिन मामले दर्ज हो रहे हैं। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार हर दिन देश में औसतन 86 बलात्कार होते हैं। बलात्कार बलात्कार है, वो कहीं पर भी हो निंदनीय है, दंडनीय है। दिखाई ये पड़ रहा है कि हम उसमें कहते हैं हमारा बलात्कार तुम्हारा बलात्कार, इसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा होता कि पुलिस वहां पर जाकर के रौद्र रूप धारण करके ऐसी कार्रवाई करती जिसको कहते हैं कि आधा कसाई और आधा इंसान। मेरी बातें कटु हो सकती हैं, लेकिन हमने वांछित प्रतिउत्तर निर्भया के बाद नहीं दिया। तीन बार हमने जो अमेंडमेंट्स किए 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद भी हम नहीं सुने। दिल्ली की निर्भया के रेप और मौत के बाद सड़कों पर आक्रोश के उमड़े जनसैलाब ने एक उम्मीद जगाई थी। उम्मीद ये थी कि आने वाले दिन महिलाओं के लिए सुरक्षा और सलामती की गारंटी लेकर आएंगे, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में बलात्कार के आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि हालात जस के तस हैं। 2013 में देश में 33,707 बलात्कार के मामले सामने आए, 2014 में 36,735, 2015 में 34,651, 2016 में 38,947, 2017 में 32,559, 2018 में 33,356, 2019 में 32,033, 2020 में 28,046, 2021 में 31,677, 2022 में 31,516 रेप के मामले सामने आए। ये आंकड़े समाज की कड़वी हकीकत को दिखा रहे हैं। हमारे हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो उलझाएगा कि SIT बना दो, CBI को सौंप दो, ये सजा दे दो, उससे बात नहीं बनेगी। जब तक जो भी रेपिस्ट है उसका कास्ट्रेशन, उसका सोशल ऑस्ट्रसाइजेशन करके तब तक उसको ऑब्जर्व किया जाए, मनोवैज्ञानिकों की टीम ऑब्जर्व करे, जब तक वो स्वयं सुसाइडल ना हो और एक सुसाइडल टेंडेंसी आते हुए उसको रिहैबिलिटेशन का के प्रोसेस में लाया जाए। अकॉर्डिंग टू मी इसके अलावा रेप जैसा जो क्राइम है उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। जो 31 साल की उस लड़की के साथ हुआ कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, वो 3 जनरेशन के सपनों की हत्या है। आइए अब आपको दूसरा पहलू दिखाते हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार मर्डर के मामले में जहां कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर 43.8% है, वहीं रेप के मामले में ये घटकर 27.4% ही हो जाती है। यानी हर साल लगभग बलात्कार के जो 30,000 के आसपास मामले दर्ज होते हैं, उनमें से सिर्फ 8 से 9 हजार मामलों में ही इंसाफ मिल पाता है।